सुप्रभात बच्चों, आज मैं क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। आज मैं पढ़ा रही हूँ विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बच्चों, आपने जान लिया कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। उसके 5 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। बच्चों, आप अभी 5 ही भेद पढ़ें, अगले क्लास में मैं आपको इसके परिभाषा, 5 भेद की परिभाषा को मैं बताऊंगी। आप इसे कॉपी में लिखकर याद कर लें।